अयोध्या नगरी में आए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पौराणिक काल में पहुंच गए हों, जहां पे हम लोग सुनते थे अद्भुत कथाएं कि कैसे कैसे बड़े बड़े हवन हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जहां पे देव गंधर्व सारी सृष्टि से जो है वो आया करते थे। उस तरह का ये एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है। और जहां तक हम विकास की बात करें, जो योगी जी की सरकार है उन्होंने पूरी काया पलट दी है उत्तर प्रदेश की, क्या हुआ करता था पहले और अब क्या हो चुका है। और आई थिंक ये जो हमारे जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में क्या होने वाली है, डेवलपमेंट को ही ना लेके सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेके। और हमारे जो आइकॉन है रामलला, वो बहुत पूरी दुनिया का जो है मार्गदर्शन करने वाले हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ, और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई सौ सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आपको कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आके? देखिए, बात जो है वो शब्दों का माहौल नहीं, भावनाओं का माहौल है। 500 वर्ष बाद जो है हम सब ये सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस इतिहास को रचते हुए। महाराज जी कैसा लग रहा है आज? महाराज जी हमारे संग है जगत गुरु हिम्बारकाचार्य भगवान, और आज हमें तो हमारे जगत गुरु भगवान और श्री राम भगवान साथ मिले हैं, तो आज के दिनाते ज्यादा अच्छा तो या जीवन में कोई दिना है ही ना सके। 500 वर्ष को अंधकार मिट गए और सनातन की जो सांस्कृतिक आजादी वो हमको प्राप्त है गई। इतना बड़ा मंदिर आज खुला है तो हमारा सौभाग्य है हम यहाँ पे आए हैं, और बस मूर्ति देखने की देरी है। 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की है। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा सा कुमार जी प्लीज। प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया, और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को। यहाँ तक बुला लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। God's given an opportunity for my family and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. भारत में दीपावली से इससे बड़ा त्योहार नहीं है। हजारों सदियों वर्षों तक आज के दिवस को याद किया जाएगा, और 500 साल में जो हम सब सनातनियों ने दिल पर पत्थर रख करके आस्था को सजो कर रखा, आज वो फूट पड़ी आस्था। ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर साध्वी रुतुम्बरा जी, उमा भारती जी, और ये आपस में मिले हैं तो रो रहे हैं इस मंदिर प्रांगण में। ये आनंद आश्रु है। देखिए साध्वी निरंजना ज्योति जी उनके साथ। इधर आवाज दे देना, इधर एक फोटो आपके साथ। साथ